हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में। आज है 13 जून 2022 और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए करंट की भूमिका आप इससे देख सकते हैं कि कल ही पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस का पेपर पीसीएस एग्ज़ाम का होता है, मतलब एसडीएम के लिए, और उसमें से मेरे मात्र 3 महीने के करंट अफेयर से, 3 महीने के करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाया है, मैंने करंट अफेयर आपको 16 मार्च से पढ़ाना स्टार्ट किया है, 16 मार्च से, ठीक है। उसमें से लेके अभी तक जो मैंने करंट अफेयर है उससे डायरेक्ट 15 से 16 क्वेश्चन आपके करंट में यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आप देख सोच सकते हैं कि 13 से 14 मिनट के वीडियो में, हमारे वीडियो में कितना कारीगर है। आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखिए, कहीं भी आप करंट पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में एकदम श्योरिटी रहेगा आपका कि आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरीके से जब मैंने कराया आप लोगों को, जब मैं सुपर टेट के लिए कराऊंगा तो सुपर टेट में 30 में 30 लाने की गारंटी रहेगी। अगर आप ईमानदारी से मेरे करेंट को बस पढ़ लिए, 14 से 15 मिनट का वीडियो अगर आपने ईमानदारी से देख के उसका रिविज़न कर लिया तो 30 में 30 तो आराम से आपका आएगा। जब हम यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन मात्र 3 महीने के करंट अफेयर में फंसा सकते हैं, तो हम लोग तो सुपर टेट के लिए बहुत दिनों से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और सुपर टेट आपका अगले साल आएगा, तब तक हम लोग अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे सुपर टेट में करंट के लिए। इसलिए करंट बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जारी किया चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा। तो यह जारी किया है चीन ने, ठीक है। किसने जारी किया है? तो चीन ने दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा चांद का जारी किया है। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है रनबिनबी। क्या नाम है चीन की मुद्रा का? तो रनबिनबी चीन की मुद्रा का नाम है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक। तो आप इन्हें याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए भारत का पहला कौन सा COVID-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है एनोकोवैक्स, ठीक है। यानी जानवरों के लिए भारत का पहला COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, यानी हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। और इस जो एनोकोवैक्स वैक्सीन है इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है। और ये जो एनोकोवैक्स वैक्सीन है यह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट दोनों को बेअसर करने के लिए कारगर है, आप इसे भी याद रखिएगा। और तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एनजे ओझा को, यानी कि एनजे ओझा को हाल ही में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे इन स्पेस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में इन स्पेस का उद्घाटन किया है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, और इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। और इनको किसने नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो गुटरेस ने नियुक्त किया है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है, आप इसे याद रखेंगे कि भारत 7वें स्थान पर है, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। देखिए, सूचकांक से एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, मतलब विश्व खुशहाली दिवस में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 136वां स्थान है,
और ये मैंने आपको करा रखा है। करंट अफेयर के वीडियो में मैंने ये करा रखा है कि विश्व खुशहाली दिवस में आपका आपका ये भारत 136वें स्थान पे है और फिनलैंड पहले स्थान पे है, ये सब मैंने करा रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उसके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से आएंगे। इसलिए बस ये 14-15 मिनट का वीडियो आपको देखने में भी टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से देख के आप जल्दी से रिविज़न कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर करंट से गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 12 जून को, यानी 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण विषय के तहत मनाया गया है। यानी इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ये आज का ये इस बार का विषय है। और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 12 जून को, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है गाय राइडर। क्या नाम है, तो गाय राइडर इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है निर्मला सीता रमण के द्वारा। यानी कि ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सचिव वित्त सेवा विभाग के प्रमुख कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं, ठीक। वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है PGI चंडीगढ़ को। यानी कि PGI चंडीगढ़ को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ कहाँ पे मनाया है, तो यह मनाया है ढाका। यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाया है। हम अब थोड़ा सा बिम्स्टेक के इतिहास के बारे में जान लें कि बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक जो है यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं कौन कौन से, तो बांग्लादेश है, भारत है, ठीक है, भूटान है, ठीक है, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ये सब बिम्स्टेक के सदस्य हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, और ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति को हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है, यानी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, ठीक, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, तो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, तो यह किया है यूरोपीय सांसद ने। यानी यूरोपीय सांसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। और यूरोपीय संसद का मुख्यालय क्या है, तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, आप इसे याद रखेंगे। और यूरोपीय संसद की स्थापना कब हुई है,
तो यूरोपीय संसद की स्थापना 19 मार्च 1958 को हुई है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगों एवं शुभंकर का अनावरण किया है, तो यह अनावरण किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, आप इसे याद रखेंगे। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है, जो अगले महीने मल्लापुरम में होगा और 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 180 से अधिक देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्टालिन ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय रिपन बिल्डिंग में ओलंपिक के लिए उल्टी गिनती घड़ी का भी अनावरण किया है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो यह है संजय कपूर। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के डीजी मयंक कुमार अग्रवाल को किसका अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो यह मिला है प्रसार भारती का, आप इसे भी याद रखेंगे। यानी कि मयंक अग्रवाल जो है वह दूरदर्शन के साथ साथ प्रसार भारती का भी अतिरिक्त कार्यभार इन्हें मिला है, और अग्रवाल ने शशि शेखर वेमपति का स्थान लिया है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान पर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है चेक रिपब्लिक को। ठीक है, यानी कि मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 47 सदस्य होते हैं, जिसमें से रूस के स्थान पर चेक रिपब्लिक को हाल ही में चुना गया है। और रूस को अभी हाल ही में मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि भारत और रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसके कारण रूस ने ही ये युद्ध शुरू किया था, जिसके कारण मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया गया था और उसके स्थान पर चेक रिपब्लिक को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा, तो यह लॉन्च होगा 2023 में, आप इसे याद रखेंगे। यानी अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है ममता बनर्जी को, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है, और उसका प्रमाण आप लोग कल के एग्ज़ाम से ही देख सकते हैं कि ये जो मैं करंट अफेयर आप लोग के लिए करा रहा हूँ, ये आपके भविष्य के लिए कितना कारीगर है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाया करिए, और नहीं नोट्स बना रहे तो जो मैं PDF भेजता हूँ तो PDF को आप लोग डाउनलोड करके उसको बार बार रिविज़न करते रहिए। रिविज़न करना आपका काम है, करंट के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में फंसाना मेरा काम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।